जबलपुर नगर निगम में धारा 30 की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक के दौरान विपक्षी भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, जहां भाजपा पार्षद दल ने अपने वार्डों की समस्या को लेकर नगर निगम में प्रदर्शन किया और जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम में अधिकारियों और महापौर की मनमानी देखने को मिल रही है। शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है, उसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी और महापौर के जरिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि मामले में अधिकारियों से बात की जाएगी। दो बड़ी बातें थी आज, एक तो निगमायुक्त के अभी तक सदन में नहीं बैठना, उसको लेकर सभी पार्षद नाराज थे। मुझे भी इस बात पे आपत्ति है, निश्चित तौर पर उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। MIC की बैठक में भी कल वो नहीं थे। दूसरी बड़ी बात कि जब सदन की बैठक चल रही हो, पूरे पार्षद वहाँ पर हों और कलेक्टर महोदय अगर अधिकारियों को बुला लें दूसरी बैठक में, ये ठीक बात नहीं है। हमें शहर के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग सभी कार्य नगर निगम से होते हैं और पार्षद साथियों ने बैठक बुलाई है, अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है धारा 30 की। हम लोग शहर को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और आप सारे अधिकारियों को बुला लेते। मेरी भी घोर आपत्ति थी, मैंने समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी के पार्षद साथियों का। 30 की बैठक, एक तो हमारे महापौर जी की एक आदत है कि जब किसी को प्यास लगती है उस समय उसको पानी पिलाना चाहिए, जब वो पानी पी चुका होता है उसके बाद फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आपको पानी पीना है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमने आज से 2 महीने पहले इनको पत्र दिए कि आप धारा 30 की बैठक कराओ, शहर में पानी की व्यवस्था नहीं है, जल व्यवस्था ठप हो गई है, जलमग्न हो गया है, पूरा शहर हो गया है, सीवर लाइन की समस्या है, मगर इनके समझ में नहीं आया। अब आज ये बैठक रख रहे हैं, अब इससे क्या सिद्ध होता है कि इनको ये लगता है कि पानी की समस्या थोड़ी बहुत समाप्त हो जाएगी, मगर मैं आपको बता दूं इतनी बारिश में भी आज लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, पूरा शहर जलमग्न हो चुका और पूरे शहर में पानी भरा हुआ है, मगर इनको समझ में नहीं आ रहा।